संसार से प्रेम करने का नतीजा क्या होगा? यदि आप संसार से प्रेम करते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा कि परमेश्वर का प्रेम जो आपको प्राप्त हुआ था विश्वास के समय, वो खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। कैसे दूर हो जाएगा? आप पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 2:15 में क्या लिखा गया है, तुम ना तो संसार से और ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। और लिखा गया है यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। कहने का मतलब, यदि आप विश्वासी हैं, सेवक हैं, और आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम आपको अनुभव नहीं हो रहा है, जैसा पहले होता था वैसा भी नहीं हो रहा है, जब आपने विश्वास किया था, जो सरगर्म जोशीले आप थे, जो प्रेम आपके अंदर था, कुछ भी करने के लिए तैयार थे, वो अभी नहीं है। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल, वो परमेश्वर का प्रेम आप अनुभव नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? आपका मन ज्यादा संसार की बातों पर है, वस्तुओं पर है, खाना पीना पहनना, संसार की बातें, परिवार, घर, बच्चा, पत्नी, परिवार, माँ बाप। अब जबकि आधुनिक समय है, स्मार्टफोन, टीवी, फेसबुक, यूट्यूब, समय नहीं आपके पास। ये सब बातें नुकसान पहुंचाती है उन बातों को जो आपने मसीह से पाया है। परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करने के बाद उसके अनुसार चलना है। परमेश्वर का प्रेम आपको शक्ति देता है परमेश्वर के वचन में चलने के लिए। और यदि प्रेम नहीं है तो आपका मन वचन पढ़ने में नहीं लगेगा, प्रार्थना करने में मन नहीं लगेगा, उपवास करने में मन नहीं लगेगा, संगति में जाने का मन नहीं करेगा, आत्मिक जीवन में मरा हुआ जीवन बिताएंगे आप। क्यों? पिता का प्रेम नहीं है। यदि पिता का प्रेम आप में नहीं होगा तो वचन से आप प्रेम नहीं कर पाएंगे, वचन का प्रेम आपके अंदर नहीं होगा। मसीह ने पिता से जैसा प्रेम किया, या मसीह का जैसा प्रेम पिता के साथ था, वैसे आज हमारा भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसलिए इफिसुस की कलीसिया प्रकाशित वाक्य 2:4 में चेतावनी दी है परमेश्वर ने वहां पर, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए पश्चाताप कर, नहीं तो मैं तेरी कलीसिया तेरे जगह से हटा दूंगा। कहने मतलब आपको हटा देगा। यदि हम आज पश्चाताप ना करें उन बातों से, जिन बातों की वजह से परमेश्वर का प्रेम, पिता का प्रेम से अब दूर हो गए हैं, पश्चाताप कीजिए फिर से एक और बार, कि प्रभु मैंने संसार की बातों पर, वस्तुओं पर मन लगाया, परिवार में इतना खो गया, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, कमाई, पैसा, बच्चा, परिवार, ये संसार की चिंता में मैं इतना दब गया कि मेरे पास वक्त नहीं है आज बाइबल पढ़ने का। हाँ सुनता हूं, ऑनलाइन सुन लेता हूं, किसी काम का नहीं है, जब तक ये आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के पास नहीं आते। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन उस प्रेम के खातिर आपको चलना है, उस प्रेम के लिए आपको चलना है, उस प्रेम को सिद्ध करना है जो प्रेम आपने पाया है। इसलिए पश्चाताप कीजिए। यदि आपने अपना मन संसार की वस्तुओं पर लगाया है, पश्चाताप कीजिए और बोलिए कि हे पवित्र आत्मा, फिर से एक और बार मुझे पिता के प्रेम से भर दे, जैसा रोमियो 5:5 में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में उंडेला गया है। प्रार्थना करें, फिर से एक और बार प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा, प्रेम की आत्मा से आशीष देगा। फिर से एक और बार उमड़ता हुआ प्रभु आपको पिता के प्रेम से भर देगा। लेकिन जब आप पश्चाताप करेंगे, सच में पश्चाताप करेंगे, अपना समय बर्बाद मत कीजिए यूट्यूब में, फेसबुक में, गंदी हंसी मजाक, प्रैंक वीडियोस, गलत मनोरंजन, फिल्में, छोड़ दीजिए। संसार की वस्तु चीजें से अपना मन छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पिता का प्रेम दूर कर देगा, पिता के प्रेम से आपको दूर कर देगा, परमेश्वर के प्रेम से ये सब बातें दूर कर देगा आपको। इसलिए आज मैं आपको चिता रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, मन फिराइए, मन फिराइए। मेरा भी समय था, मैं इन चीजों में समय बिताया करता था। जब पवित्र आत्मा ने मुझे नॉक किया, पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की,
कि मैं एक आत्मिक जीवन जीने के बाद इन सारी बातों में मुझे मन नहीं लगाना चाहिए। हर दिन मेरा मन दुखी होता था। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उठिए, पश्चाताप कीजिए, छोड़िए। पश्चाताप करने का मतलब छोड़ना है, घृणा करना है उन बातों से जो आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर करती है, अलग करती है। उन बातों से घृणा कीजिए, घृणा कीजिए। जब तक घृणा नहीं होगा, छोड़ देंगे तो फिर दोबारा करेंगे, छोड़ने से फायदा नहीं है। उन बातों से घृणा कीजिए, जब तक आपके अंदर वो घृणा नहीं होगी आप छोड़ नहीं सकते, दोबारा पकड़ लेंगे आप। इसलिए पिता के प्रेम से अलग करने वाली बातों को अपने जीवन से दूर कीजिए, पश्चाताप कीजिए, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। फिर से कृपा पश्चाताप कीजिए। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। पिता मैं तेरी स्तुति करता हूं, जो लोग इन वीडियो को देखेंगे आने वाले समय में, इस समय में प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूं, पश्चाताप का मन दे। जिन लोगों का मन संसार की बातों पर, अभिलाषाओं पर, गंदी चीजों पर लगी हुई है, उनको पश्चाताप करने के मन फिराव की शक्ति दे प्रभु, शक्ति दे प्रभु। पिता का प्रेम से दूर करने वाली बातें, जितने लोग पिता के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए हैं, उन्हें मन फिराव की शक्ति दे प्रभु यीशु, उन्हें मन फिराव की शक्ति दे। और फिर से एक और बार पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मन को परमेश्वर के प्रेम से भर दे, प्रेम से भर दे, प्रेम से भर दे, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आपका आशीष दे।